नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजदीप सजवान और आज हम बात करेंगे उन कलाकारों के बारे में जिन्होंने अपने अपने करियर की शुरुआत छोटे पर्दे से की थी और आज वे उस स्थान पर मौजूद हैं जहां पर पहुंचने का सपना लाखों करोड़ों लोग देखते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और वैसे वीडियो ला सकूं। तो दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में नंबर 20 पर आती है अविका गौर। अविका गौर टेलीविजन की एक मशहूर अभिनेत्री है जिन्हें आपने कलर्स टीवी के मशहूर शो बालिका वधू में छोटे आनंदी के किरदार में देखा होगा, लेकिन इस शो के अलावा भी वह कई अन्य टीवी शोज में काम कर चुकी है जैसे इंडियाज गॉट टैलेंट, राजकुमार आर्यन, ससुराल सिमर का, झलक दिखला जा, बे इंतहा, कॉमेडी नाइट्स बचाओ, बिग बॉस 11, फियर फैक्टर, किचन चैंपियन 5 और खतरा खतरा आदि। दोस्तों, इन्होंने 2013 में फिल्म उजाला जामला से टॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था। इस फिल्म में ये हमें तेलुगु फिल्मों के मशहूर एक्टर राज तरण के साथ नजर आई थी और इस फिल्म को अक्कनेनी नागार्जुन की प्रोडक्शन कंपनी अनुपमा स्टूडियो के बैनर तले बनाया गया था। इस फिल्म के अलावा भी ये सिनेमा चुस्ती मावा और राजू गारी गांधी तू जैसे तेलुगु फिल्मों में काम कर चुकी है और बहुत जल्दी आपको बॉलीवुड फिल्मों में भी नजर आएंगी। नंबर 19 पर आती है सुनारिका भदौरिया, जो कि लाइव ओके चैनल पर प्रसारित होने वाले सबसे लोकप्रिय शो देवो के देव महादेव में माता पार्वती जी का किरदार निभा चुकी है और ज्यादातर उन्हें इसी शो के लिए जाना जाता है, लेकिन इस शो के अलावा भी वह कई अन्य शोज में काम कर चुकी है जैसे पृथ्वी बल्लव, दास्तां ए मोहब्बत, इश्क में मरजावा और तुम देना साथ मेरा आदि। इन्होंने 2015 में जादूगरी फिल्म से टॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था। इस फिल्म में ये हमें नागा सौर्या के साथ नजर आई थी। इसके अलावा भी ये फिल्म स्पिनडू, इंदो रकम, आदो रकम, इंद्रजीत, सासे और श्रद्धा जैसे तेलुगु फिल्मों में काम कर चुकी है। नंबर 18 पर आती है साउथ की मशहूर एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह, जो कि दे दे प्यार दे, यारियां, सराय नडू, जय जानकी नायिका, देव ध्रुवा, मर जावा, राजू नेनको प्रेम तो, अय्यारी और जे जी की जैसी फिल्मों में काम कर चुकी है। उन्होंने 2014 में फिल्म यारियां से अपना बॉलीवुड में डेब्यू किया था और उसके बाद ये साउथ की फिल्मों में काम करने लगी और आज के समय में ये साउथ की टॉप 10 एक्ट्रेस में गिनी जाती है। तो दोस्तों, हमारी इस लिस्ट में नंबर 17 पर आती है कीर्ति सैनन, जिन्होंने 2014 में फिल्म हीरोपंती से अपना बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके अलावा भी ये फिल्म लुका छिपी, दिल वाले, बरेली की बर्फी, पानीपत, नीनो कोडनी, अर्जुन पटियाला, राबता और हाउसफुल 4 में काम कर चुकी है। इसके अलावा टीवी सीरियल्स की बात करें तो ये उमंग, सिंदूर और साथ निभाना साथिया जैसे टीवी सीरियल्स में काम कर चुकी है। नंबर 16 पर आती है यामी गौतम। तो दोस्तों, यामी गौतम बॉलीवुड की एक मशहूर अभिनेत्री है जिन्हें आपने फेयर लवली के कई एड्स में देखा होगा। ये विक्की डोनर, काबिल, बाला, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, गिनीवर्स जनी, सनम रे, बदलापुर, जुनूनियत और एक्शन जैक्सन फिल्मों में काम कर चुकी है। इन्होंने साल 2012 में फिल्म विक्की डोनर से अपना बॉलीवुड में डेब्यू किया था और ये आयुष्मान खुराना की भी डेब्यू फिल्म थी। इसके अलावा टीवी शोज की बात करें तो ये राजकुमार आर्यन, चांद के पार चलो और ये प्यार ना होगा कम आदि जैसे कई टीवी शोज में काम कर चुकी है। नंबर 15 पर आते हैं ठाकुर अनूप सिंह, जिन्हें आपने 2013 में स्टार प्लस पर प्रसारित होने वाले शो महाभारत में धृतराष्ट्र के किरदार में देखा होगा। इसके अलावा फिल्मों की बात करें तो ये साउथ की कई फिल्मों में काम कर चुके हैं जैसे सिंगम 3, उदासमा, कमांडो 2, रागियू, ना पेरू ना सूर्या, यम गर्जना, डिनर और उजाला अमेरिका आदि। और हमारी इस लिस्ट में नंबर 14 पर आते हैं साउथ के मशहूर एक्टर मुरली शर्मा, जो कि शाही अतिथि, विजेता, अला वेंकट पुरमलो, अज्ञातवासी, ध्रुव जगन्नाथम, माई नेम इज लक्की, ब्रैंड बाबू, बदलापुर, गोलमाल रिटर्न्स और 30 मार खान आदि जैसे फिल्मों में काम कर चुके हैं। इन्होंने साल 2007 में फिल्म इंटरनेशनल खिलाड़ी द आयरन मैन से टॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था। इस फिल्म में ये महेश बाबू के साथ नजर आए थे। इससे पहले वे टीवी सीरियल्स में ही काम किया करते थे। वे
विरासत सह कोई है, लागी तुझसे लगन, जमाई राजा और साथी जैसे कई टीवी शोज में काम कर चुके हैं। नंबर 13 पर आते हैं आदित्य रॉय कपूर, जिन्हें आपने 2013 में सुपरहिट फिल्म आस्की 2 में बतौर लीड हीरो के रूप में देखा होगा। और इसके अलावा भी वे मलंग, ओके जानू, लीडो, फितूर, कलंक, ये जवानी है दीवानी, सड़क 2 और एक्शन रिप्ले जैसी कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। वही टीवी शोज की बात करें तो उन्होंने इंडियाज हॉटेस्ट शो से अपना अभिनय करियर की शुरुआत की थी। नंबर 12 पर आते हैं बॉलीवुड के मशहूर एक्ट्रेस प्राची देसाई, जिन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत जी टीवी पर प्रसारित होने वाले शो कसम से की थी और अब तक ये 30 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी है, जिनमें शामिल है वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, बोल बच्चन, अजहर, रॉक ऑन, पुलिस गिरी और तेरी मेरी कहानी आदि। और नंबर 11 पर आती है साउथ की मशहूर एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी। दोस्तों, हंसिका मोटवानी ने अपने अपने करियर की शुरुआत बतौर बाल कलाकार के रूप में की थी। वे साकला का बुम बुम, देश में निकला होगा चांद, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और करिश्मा का करिश्मा आदि जैसे कई शोज में बतौर बाल कलाकार के रूप में काम कर चुकी है। वही फिल्मों की बात करें तो वह देश में दुरु, कोई मिल गया, रोमियो जूलियट, बैगन पुली, वाली अदम, आमला, सिंगम 2 आदि से कई तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम कर चुकी है। नंबर 10 पर आती है विद्या बालन, जो कि कहानी, संकुतला देवी, द डर्टी पिक्चर, तुम्हारी सुलु, कहानी 2, इश्किया, मिशन मंगल, परिणीता, नटखट और बेगम जान जैसे कई हिंदी फिल्मों में काम कर चुकी है। वही टीवी सीरियल की बात करें तो उन्होंने हम 5 शो से अपने अपने करियर की शुरुआत की थी, जिसे दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाता था। नंबर 9 पर आते हैं आर माधवन, जो कि 3 इडियट्स, साला खडूस, रहना है तेरे दिल में, विक्रम वेदा, रामजी लंदन वाले और निशब्दम जैसी कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। वही टीवी सीरियल की बात करें तो वे साया, आरोहन, ये कहां आ गए हम, रहना है तेरे दिल में और फेम गुरुकुल आदि से कई टीवी शोज में काम कर चुके हैं। नंबर 8 पर आती है मंदिरा बेदी, जो कि साहो, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मेहरबानी, नो डाउट आदि जैसी कई फिल्मों में काम कर चुकी है। वही टीवी सीरियल की बात करें तो वह शांति, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, दुश्मन और फेम गुरुकुल आदि से कई टीवी शोज में काम कर चुकी है। नंबर 7 पर आते हैं बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर ओमपुरी, जो कि 80 और 90 के दशक में कई सारे टीवी शोज में काम कर चुके हैं, जिनमें शामिल है भारत एक खोज, मिस्टर योगी, किरदार काकाजी कहीं आदि। नंबर 6 पर आते हैं अभिमन्यु सिंह, जो कि साउथ की ज्यादातर फिल्मों में विलेन का किरदार निभाते हैं। इन्होंने अपने अपने करियर की शुरुआत दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले शो युद्ध से की थी और यह साउथ की फिल्मों में अच्छे स्थान पर है। नंबर 5 पर आते हैं बॉलीवुड के मशहूर एक्टर इरफान खान, जो कि चंद्रकांता, बनेगी अपनी बात, भारत एक खोज, चाणक्य और श्रीकांत जैसे कई सारे टीवी शोज में काम कर चुके हैं। नंबर 4 पर आते हैं करण सिंह ग्रोवर, जिन्होंने 2017 में जी टीवी के शो कबूल है से अपने अपने करियर की शुरुआत की थी और अब ये अलोन और हेट स्टोरी 3 जैसे कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। नंबर 3 पर आते हैं आयुष्मान खुराना, जिन्होंने एमटीवी के रोडी शो से अपने अपने करियर की शुरुआत की थी और आज वे बॉलीवुड के एक सफल अभिनेताओं में गिने जाते हैं। नंबर 2 पर आते हैं सुशांत सिंह राजपूत। तो दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत ने अपने अपने करियर की शुरुआत पवित्र रिश्ता शो से की थी और उसके बाद उन्होंने काई पोचे फिल्म से अपना बॉलीवुड में डेब्यू किया था। और नंबर 1 पर आते हैं शाहरुख खान, जिन्होंने फौजी और सर्कस जैसे टीवी शो से अपने अपने करियर की शुरुआत की थी और आज वह बॉलीवुड के एक बहुत बड़े एक्टर है। तो ये थे वे कलाकार जिन्होंने अपने अपने करियर की शुरुआत छोटे पर्दे से की थी। अगर कोई कलाकार छूट गया है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियो ला सकूं। धन्यवाद।